नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कॉमोडिटी की कि किस कॉमोडिटी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस कॉमोडिटी में तेज़ी है और किस कॉमोडिटी में मंदी देखने को मिल रही है। और इन सब पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। रूपा जी, बात करेंगे नॉन एग्री कॉमोडिटी में, सोने चांदी से शुरुआत करेंगे। बता दें कि सोने चांदी में तेज़ी देखने को मिल रही है। सोना आज बता दें कि 52,200 पर ट्रेड करता दिखा है, वहीं चांदी 59,160 पर ये ट्रेड करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि सोने चांदी के बाज़ार में आगे ये तेज़ी कहाँ तक जाती दिखेगी और इसमें आगे क्या कुछ आगे करके चला जा सकता है? देखिए, सोने और चांदी पिछले कुछ दिनों से लगातार एक जारी में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि 1800-1820 डॉलर के बीच में सोना फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही रखनी चाहिए और घरेलू बाजारों में 52,000 के ऊपर है तो यहाँ पर 52,600 से 52,800 के टारगेट के लिए बाय करके चला जा सकता जी। वहीं अगर कच्चे तेल की क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज 8,703 पर ट्रेड करता दिखा और इसमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। तो क्रूड ऑयल का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, क्रूड में तेजी का रुझान है और अभी भी मार्केट जो है वो काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जिस तरीके से कल अपडेट निकल कर आया है, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जिसके में ये कहा गया है कि अगर मौजूदा स्थितियां नहीं थमती हैं तो रूस कच्चे तेल के संकट का कारण बन सकता है, यानी कि कच्चे तेल में और तेजी बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि रूस क्रूड ऑयल का उत्पादन 5 मिलियन बैरल तक कम कर सकता है जिससे पूरी दुनिया भर में क्रूड की कमी का असर जो है वो देखने को मिल सकता है और जिसके चलते माना ये जा रहा है कि क्रूड की कीमतें बेताशा तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो अभी के लिए फिलहाल कच्चा तेल तेजी में ही है और जिस तरीके से हमने इसको देखा है $100 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में माना जा रहा है कि तेजी कंट्रीब्यूशन में बनी रह सकती है। और अगर इस तरीके की स्थितियों में कंट्रोल नहीं होता है तो आप मानकर चलिए कि करंट लेवल से आपको क्रूड की जो कीमतें हैं $150 से $200 तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो मेरे हिसाब से कच्चे तेल के अंदर फिलहाल तेजी की तरफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बाइंग की तरफ रहा जा सकता है और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी आगे चलकर कच्चे तेल में अपसाइड मोमेंटम बन सकता है जो कि 9,000 रुपए तक ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होरिजन लेकर चले, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए और आने वाले दिनों में एक अच्छा अपडेट बनता अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल में आगे तेज़ी का रुख बना रह सकता है, आप इस पर आगे ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ये आज 462 पर कारोबार करता दिखा है, तो नेचुरल गैस का बाज़ार कहाँ तक आगे इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, नेचुरल गैस में अभी फिलहाल लगता है कि डाउनसाइड ही बना रह सकता है और मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर इसमें बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक साइडवेज मोमेंटम हम मान सकते हैं कि देखने को मिल सकता है जी। रूपा जी, अगर बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में जिंक जो है वो 282 पर कारोबार करता दिखा है, साथ ही कॉपर की बात करें तो वो भी 676 पर कारोबार करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि बेस मेटल का बाजार आगे क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है, क्या इसमें आगे तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, बेस मेटल में भी अभी फिलहाल जो है वो तेजी रुकती हुई दिखाई दे रही है, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि बेस मेटल जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनियों के अंदर भी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुई है और इसका भी रीजन रहा है कि बेस मेटल्स की डिमांड थोड़ी सी हैम्पर होती हुई दिखाई दी है और वहीं जिस तरीके से मंदी की आशंका भी बनती हुई कहीं दिखाई दे रही है तो उसका भी इम्पैक्ट बेस मेटल की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रैली में बाजार नीचे जा सकते हैं और बेस मेटल में कॉपर की अगर बात करें तो 660 से 640 की रेंज हो सकती है, वहीं जिंक 280 से लेकर 260 तक नीचे फिलहाल आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है जी। तो रूपा जी, यहाँ पे रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे एग्री कॉमोडिटी पे। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।